तो गाइस इस टाइम लाइटनिंग ऑन हो गई, हमने माथा टेक लिया और कितना खूबसूरत व्यू है मंदिर का आप देख सकते हो। तो गाइस आप वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वॉचिंग रितु हांडा। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अभी बद्री विशाल जी के दर्शन करने, तो मैंने अपना ब्लॉग कर लिया स्टार्ट ताकि आप बद्री विशाल जी के दर्शन कर लो। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है तो आपको पता है कि हम मतलब घूमने के लिए निकले हुए हैं। हम हरिद्वार से पहले हरिद्वार का मैंने ब्लॉग डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो अब हम रात को हम पहुँच गए थे यहाँ पर बद्रीनाथ पे, तो अब हम जा रहे हैं उनके दर्शन करने और आप लोग भी हमारे साथ चलो। अभी मेरी फैमिली पूरी रेडी हो चुकी है और मेरी वेट कर रहे हैं। निखार से आए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून हो चुका है, गुड इवनिंग। तो क्योंकि रात को हम पहुंचे थे लेट और अपना उठा नहीं गया, तो अब चार बजे खुलने थे, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर और वहाँ जाके करते हैं दर्शन और आप भी हम लोगों के साथ दर्शन करना। और मैंने रूम को लॉक नहीं किया, रूम को पहले लॉक कर ले तो फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी धूप निकली हुई है, थैंक गॉड आज धूप निकली हुई है। पता है क्या, ये बोल रहे थे कि कल परसों स्नोफॉल हुई थी तब बहुत ज्यादा ठंड थी, लोगों ने दो दो जैकेट डाली हुई थी, पर अच्छा हुआ आज धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, हम खुल के एंजॉय करेंगे। तो गाइस आप भी हमारे साथ चलो, तो ये ब्लॉग को देखते रहना, अगर ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग को लाइक करना, चैनल वो पीछे आप देख रहे हो ना, है ना वो है ना, ये वाटरफॉल है बहुत अच्छा, जैसे सीनरीज होती है ना वैसे सेम ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पीछे सीनरीज है, वो कितना अच्छा वाटरफॉल है, शायद हम भाई वहाँ पर भी जाएंगे। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने और आप व्यूज देख सकते हो यहाँ के, कितने अच्छे व्यूज है, वाओ गाइस वाओ वाओ, सी व्यूज गाइज, वो वहाँ पे वाटरफॉल है, वाओ। तो गाइज आपने देखा कितने अच्छे व्यूज हैं यार, इतना अच्छा मौसम है ना, बहुत ही बढ़िया मौसम है और आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सब उन्होंने गर्म कपड़ों का स्टॉल्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर कैप्स, हाँ ये हिमाचली कैप्स भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर जूस है। तो गाइस इस तरह से छोटा सा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर इस टाइप्स की सारी शॉप्स हैं। वही तो कह रही हूँ, गर्म कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। हम ना यहाँ पर आए थे, तो गाइस हम यहाँ पर आए थे पहले 2012 में, तब हम चार धाम की यात्रा पर आए थे। तो गाइस वहाँ अब तक ना बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी शॉप्स होती थी, 5-7 शॉप्स थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे का पूरा बाजार बन चुका है, जैसे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। काफ़ी मतलब गर्म कपड़े की शॉप्स हैं, काफ़ी स्टॉल्स हैं, तो यार बहुत अच्छा है, इसका जो नेचर है ना वो बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, मेरा फेस तो आप मेरे हमेशा देखते ही रहते हो। तो गाइस इस तरह का बाजार है, ये शॉप्स है ऐसे, तो गाइस यहाँ से ना बहुत उतराई है, उतराई तो आराम से हो जाएगी, जब चढ़ना है ना तब आपको पता लगेगा, मुझे खासकर मुझे तब पता लगेगा, यहाँ से उतर तो आराम से जाएंगे। तो गाइस आप भी मेरे साथ साथ बद्री विशाल की यात्रा कर रहे हो और यार यहाँ का मंदिर इतना खूबसूरत है ना, जब आप देखोगे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर। तो यहाँ से नीचे जाके यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी हैं, मतलब आपको खाना पीना होटल सब अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर आके, कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी शॉप्स हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं, कुछ इतने कॉस्टली भी नहीं है यहाँ पर सब। तो गाइस बस अब हम अभी पहुँचने वाले हैं, यहाँ से उतराई करके ना तो वहाँ पर एक पुल आएगा, बस उसको जब क्रॉस करेंगे तो सामने मंदिर दिखाई देगा, वो नज़ारा देखने वाला है। तो उतराई के बाद हम पहुँच गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने, आप देख सकते हो सामने बिल्कुल मंदिर है, वाह, मैंने आपको बोला था ना मंदिर का नज़ारा देखने वाला होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है यहाँ पर मंदिर का।
अच्छा वो जो कल हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था ना वो चेक करना है, हमारे फ़ोन पे भी मैसेज आ गया था तो फ़ोन चेक करवा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है आने से पहले। अगर आपने पहले मेरा व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने दिखाया था, हाँ तो वहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था रास्ते में, तो वही उन्होंने यहाँ पर चेक करना है। तो वो हमारी स्लिप्स जो थी वो कार में रह गई थी, तो लेकिन फ़ोन पे मैसेज आ गया था तो वो बस चेक कर रहे हैं। इसको चेक करने के बाद ही अंदर जाने देंगे। जब आप भी यहाँ पर आ रहे हो या चारधाम की यात्रा पर आ रहे हो तो आपको भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा के ही आना होगा। तो यहाँ पर वो चेक करें। तो गाइस वो पुल हम क्रॉस जब करेंगे ना, ये पुल जब हम क्रॉस करेंगे तो सामने हमने हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो बस गाइस कुछ ही टाइम की वेट है, हम पहुँच जाएंगे मंदिर, तो चलते हैं अब आगे। तो गाइस अब हम मंदिर के द्वार में पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर है अलकनंदा नदी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अम्मा डर लग रहा है, मेरे को जल्दी बोलो ना बोलना है। बहुत ज्यादा मजेदार नजारा है, बहुत अच्छा। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। तो बोले ले रहे हैं, एक बार ना मैं एक बार आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, आप एक पूरा व्यू देख लो एक बार, रुको। बहुत अच्छा व्यू है। और वो राम मंदिर, ये बद्री विशाल। तो चलो करते हैं दर्शन और उसके बाद करते हैं और सारी बातें, बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस यहाँ पर चलती है, यहाँ पर तुलसी की माला चढ़ती है और ये प्रसाद चढ़ता है। और ये जो तुलसी की माला ना, इसकी इतनी अच्छी स्मेल है ना, पूरी यहाँ पर फैली हुई है ये स्मेल। तो चलते हैं गाइस, करते हैं मंदिर के दर्शन। जय बद्री विशाल। तो गाइस हम मंदिर में पहुंच गए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मंदिर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये आप ना बस देखते जाओ। तो गाइस ये है बद्री विशाल जी का गर्भगृह, लेकिन इसके आगे हम कैमरा नहीं ले जा सकते। तो अभी अभी यहाँ पर आरती हुई है, तो गाइस पहले आरती ले लेते हैं और आप भी मेरे साथ आरती पे माथा टेक लो। तो गाइस हमने अंदर तो दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अब मैं ना आपको सारे दर्शन करवा देती हूँ, एक बार मैं सारा व्यू आपको मंदिर के अंदर का भी दिखा देती हूँ, आप दर्शन कर लो सब लोग। जय बद्रीनाथ। मंदिर के अंदर हमें कैमरा नहीं ले जाने दिया, इसलिए मैंने आपके मंदिर के अंदर के दर्शन आपको नहीं कराए, लेकिन मैं बाहर के सारे आपको दर्शन दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मन को शांति मिल रही है यहाँ पर आके। और सना सेवा कर रही है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर का रास्ता, मंदिर के अंदर फोन नहीं लेके जाने देते, ये परमिशन नहीं है, इसलिए मैं बाहर से आपको दर्शन करवा रही हूँ। तो इसके अंदर है ठाकुर जी का गर्भगृह। और गाइस एक और चीज, ये मम्मा क्या था ये? नारायण या नर? ये दो पर्वत जो पीछे नजर आ रहे हैं ना, वो एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है। और दर्शन कर लो गाइस। तो गाइस इस टाइम लाइटनिंग ऑन हो गई है, हमने माथा टेक लिया और कितना खूबसूरत व्यू है मंदिर का, आप देख सकते हो बहुत सुंदर व्यू है लाइटनिंग के बाद यहाँ का। तो गाइस हमें बद्री विशाल जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर दर्शन करके। तो गाइस इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम मतलब जन्नत है जन्नत, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स पे। ये पीछे हमारे अलकनंदा नदी बह रही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर और जाते जाते हमें शाम हो गई और अपने शाम का व्यू भी आपको दिखा देते हैं यहाँ का। तो गाइस बहुत ही मस्त व्यू है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे बॉईल दे देते हो। तो गाइस इस टाइम हम खा रहे हैं मोमोस, बहुत टेस्टी है मोमोस यहाँ। खत्म हो गया, अब वो चटनी खाई जा रही है अम्मा। मोमोस और आने लगे,
पहले मैंने एक प्लेट करवाई थी, मैंने कहा अगर अच्छा लगेगा दूसरी करवाई। आ गए मोमोज। तो यहाँ के खूबसूरत माल रोड पर घूमने के बाद हमें लग गई भूख और रात का टाइम हो गया 10:30 बजे का और अब हम आ गए अपने होटल खाना खाने के लिए। तो गाइस खाना जो है काफ़ी अच्छा यहाँ से मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि कुछ खाने को नहीं मिलता। तो गाइस हो गए हमें भद्री विशाल जी के दर्शन, बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा। आपने भी साथ में दर्शन किए तो अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया, जहाँ तक भी कैमरा गया तो वहाँ तक मैंने आपके दर्शन करवाए। तो आपने देखा कितनी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहीं पे एंड करती हूँ गाइस मैं अपने ब्लॉग का। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करते रहो। और भी बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। तो बस बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।